जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका। हेलो। दोस्तों, अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर हमें कोई एक एंजल नंबर अगर बार बार दिखाई दे रहा है तो उसका आंसर तो हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन अगर हमें एक साथ बहुत सारे नंबर्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे एक दिन में हमें बहुत सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं, कभी हमें डबल वन दिखाई दे गया, कभी ट्रिपल वन, कभी ट्रिपल फोर, इस तरह से बहुत सारे नंबर जब दिन में हमें दिखाई देते हैं और वही नंबर हमें अगले दिन भी दिखाई देते हैं, लगातार रिपीट होते रहते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर अब उनका आंसर हम कैसे पहचाने, जबकि सिंगल डिजिट या सिंगल नंबर तो हम पहचान लेते हैं उसका आंसर। तो ऐसे में एक बहुत आसान सा तरीका है जिसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, कृपया वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले अगर आपको कोई डिजिट या कोई नंबर दिखाई दे रहा है तो आप ये विचार करें उस वक्त कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, उस नंबर से आपके विचार का कनेक्शन होता है। अब इसी प्रकार वो नंबर आपको ना दिखकर सुबह शाम को आपको दूसरा नंबर दिखाई दिया, तब आपको फिर वही रिपीट करना है, मतलब फिर सोचना है कि इस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है। उसका कनेक्शन आपके उस नंबर से होता है, क्योंकि आपको जब अलग अलग नंबर दिखाई देते हैं तो ये आपको एक बहुत अच्छा मैसेज है कि यूनिवर्स या एंजल आपकी मदद हर वक्त कर रहे हैं, आपको थोड़ी थोड़ी चीजों पर सपोर्ट कर रहे हैं जो इतने नंबर दिखा रहे हैं, क्योंकि वो आपके हर विचार का जवाब दे रहे हैं नंबर के थ्रू। तो आपको उस वक्त ये सोचने की आवश्यकता है कि आप क्या सोच रहे हैं, जो विचार आप सोच रहे हैं उसका कनेक्शन आपके उसी नंबर से है जो वर्तमान में प्रेजेंट मोमेंट पर आपको दिखाई दे रहा है। उस वक्त आपको क्या करना चाहिए कि जो नंबर आपको दिखाई दिया है, यूट्यूब पर जाकर सर्च उसका आंसर कर सकते हैं, आपके सवाल के अकॉर्डिंग, आप जो सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको वीडियो को आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं, इस चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका है। कभी इस बात ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिजिट या नंबर्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन उस वक्त आपके माइंड में कोई विचार ही ना चल रहा हो, तो ऐसे स्थिति में उसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में एक विशेष बात ध्यान रखने वाली है, जिस चीज पर आप गहन चिंतन करते हैं, आप अपनी लाइफ में जो चीज पाना चाहते हैं, आपके माइंड में हमेशा जिस चीज को पाने की ख्वाहिश है, या कोई विचार जो कि आपको हमेशा तंग करता है, भले ही उस वक्त आपके माइंड में कोई विचार ना आया हो, तो उसका आंसर वही होता है जो लगातार आपको परेशान कर रहा है, या लगातार आपको जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, भले ही उस वक्त आपके माइंड में क्वेश्चन ना आया हो जब आपने डिजिट देखा हो, तो उसका आंसर आपके ओवरऑल जो माइंड में चलता है उसका आंसर होता है।